उस जगह जाना है, उस जगह। अभी देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो खमागणी सर भाई ने आज के दिन मारो प्लान है भुतेश्वर जावा को। काफी टाइम होगा मैं भुतेश्वर गए नहीं, शायद तक 15 या 20 दिन होगा। और मैं बट हर हमेशा जाऊं, हर 7-8 दिन में चल जाऊं मैं, लेकिन अब 15 दिन बीत गया, 15-20 दिन और मैं बैठे गए नहीं। तो आज का प्लान भुतेश्वर जावा को है। तो अभी गैस खाली हो गया है और अभी गैस लेके जा रहा हूँ मैं चेंज करवाने। अब इसको ये खाली हो गया, इसको भरा के लेके आएंगे, भरा के क्या चेंज करा के लेके आएंगे। तो नानी जी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए इसको धो दी और मैं अभी ये सिलेंडर लेके आ गया हूँ। अब इसकी सील ब्रेक करते हैं। गैस लगा दिया मैंने और अच्छे से लगाया करो। आपसे भी निवेदन है कि गैस कभी भी यूज करो अच्छे से लगा के, एक बार 2-3 बार चेक करके। अभी नानी सा बना रही शक्कर पारे मेरे लिए। नानी सा एक कुंडता नहीं बना रहे हो शक्कर पारा है नानी सा? और कुंडता नहीं बना रहे हो? और मेनू तो नहीं। अच्छा, और ये सारे शक्कर पारे हैं जो मेरे लिए और मेरी भांजा भांजी के लिए बन रहे हैं। तो देखो गाइस ये शक्कर पारे बन चुके हैं, ये नानी सब बना बना के डाल रही है, ये बन रहा है इसमें। तो ये रे, अभी मैं जा रहा हूँ भुतेश्वर, तो कैमरा ले सकते हैं। ये मैंने कैमरा ले लिया और अब चलते हैं भुतेश्वर। तो गाइस अभी हम मंदिर से आ गए हैं, मंदिर में कुछ ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि वहां पे जाके मेरा मन थोड़ा शांत हो गया था। मेरा मन ही नहीं कह रहा कि मैं वहाँ पे जाके शूट करूँ या कुछ करूँ। मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, 15 मिनट के करीब मैं वहाँ पे चुपचाप बैठा रहा शांति से, कुछ भी नहीं बोला। फिर मैं वहाँ पे टीका लगाया और पहाड़ पे आ गए। यहाँ से देखो मंदिर का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है मंदिर का। और यहाँ पे हम इधर फोटो शूट कराएंगे अभी। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मेरे को बहुत ही। और ये पहाड़ का व्यू मस्त लग रहा है, देखना ये कितना मस्त लग रहा है पहाड़, तो अच्छा लग रहा है। और उधर देखो उस साइड अच्छा लग रहा है ना, एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को उधर जाना है, उधर एक बाउंड्री बनी हुई है महल की, जो बाउंड्री होती है वो जगह वहाँ पे यानी सिनेमेटिक टाइप की वीडियो बनेगी जो बड़ी अच्छी लगेगी। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाके भगूं, जो इंस्टाग्राम पे रील में भगते हैं और बाद में बैकग्राउंड में सॉन्ग चलते हैं ना लव वाले, तो मैं तो लव वाले सॉन्ग कम ही सुनता हूँ, लेकिन वो वहाँ पे वो ऐसी वीडियो अच्छी बनेगी। तो अच्छा लग रहा है, कैसे जाऊँ मैं वहाँ पे। और तो यहाँ पे टाइम लैप्स वीडियो बनाता, लेकिन यहाँ का भी बादल ना नहीं है, आसमान पूरा साफ है, तो यहाँ पे अच्छा बनता। ये वादियाँ लग रही है एकदम जैसे मनाली की वादियाँ हो, तो अच्छा है, यहाँ पे आके मन थोड़ा शांत हो जाता है ऐसे खुला हुआ। तो गाइज अभी हमारा फोटोशूट हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो ये देखो अभी हम नीचे जा रहे हैं। अरे यार सच में भगने में मजा आते हैं, पहाड़ों से कूदते हैं तो ये देखो बकरियां, अगर आप देख पा रहे हो तो बकरियां उधर पहाड़ पे चढ़ी हुई, उनको चरा रही है आंटी जी। भाई देखो कितना प्यारा सीन है, कबूतरी कबूतर हो रहे लाइन से और दाना चुग रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। उधर मोर भी है। भाई मैं वहां से आ गया हूँ और अभी घर पे आ गया, नानी साहब लहसुन छील रही थी। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग पे मिर्च वगैरह लेने के लिए, नानी साहब ने अभी 500 रुपए दिया मेरे को, तो बोले कि जब तू सामान लेके आ। क्या क्या लेके आना नानी साहब? सोयाबीन, लाल मिर्ची और हरी दाल और मूंग की। अच्छा, और पताजी वगैरह कुछ ले लूं मैं? काई कौन लेना, अब पीछे वो दोड़ू डालो बाहर से गुरुवारा काट दिया, सेक कर दिया, वो खा लियो बोल खा लियो बाटा खा लियो। हाँ तो पनीर की सब्जी ले आऊं? नहीं, पनीर बना लेंगे आज, और बना। तो फिर छोले कुलचे ले आऊं? छोला कुलचा, जलेबी ले आऊं? जलेबी मिर्ची ले लिए। तो गाइस हमने सोयाबीन और मूंग की चने मूंग की दाल जो भी है, दाल मेरे को नाम ध्यान नहीं इसका, ये भी हमने ले ली, कंप्लीट कर दिया आधा काम। तो गाइस अभी चने ले लिए हमने।
ये सामान आ चुका है हमारा, नानी साहब को अभी मैं हिसाब दूंगा। देखो इधर से देखो एरिया है ना, और ये बाकी का रुपया एरिया, तो ए 320 रुपया ठीक है, और ये 10 रुपया, और 170 को सामान जिम्मा 70 रुपये की है, और हिसाब में दे चुका हूँ पूरा।